भारत पर झूठे आरोप लगाकर कनाडा खुद तो डूबा ही, लेकिन अपने साथ तीन चार देशों को भी ले डूबा। अमेरिका, ब्रिटेन और न्यूजीलैंड जैसे देश कनाडा के साथ आकर खड़े हो गए, मगर अब सबके सब मारे गए हैं, क्योंकि सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में जस्टिन ट्रूडो और खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने पूरे कनाडा समेत पश्चिमी देशों को फंसा दिया है। भारत के खतरनाक रुख के बाद घबराहट में कनाडा ने सच उगल दिया है। जस्टिन ट्रूडो और पन्नू ने जो बयान दिया है वो कनाडा को आतंकी देश साबित करने के लिए काफी है। ट्रूडो और पन्नू का बयान सुन कनाडा के लोगों का कहना है कि या तो ये दोनों कोई नशा करते हैं या दोनों ही बेहद बेवकूफ हैं। यहाँ से ही आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि वो कितना बड़ा हाथी है और एशिया का कितना बड़ा पावरफुल कंट्री है इस टाइम, जो स्ट्रेट कनाडा को थ्रेट कर रहा है। देखें, इसके अंदर गलती कनाडा की भी है। उन्होंने जो उनको इल्जाम लगाए हैं उनके ऊपर सिख किलिंग से रिलेटेड, उसके प्रूफ दें। या तो आप किसी बंदे पे इल्जाम नहीं लगा रहे हो, आप एक कंट्री पे, वो भी इंडिया पे इल्जाम लगा रहे हो। और आप इल्जाम लगा के प्रूफ भी नहीं दे रहे, इसके अंदर इंडिया ऑटोमेटिकली बाजी ले जाए। उनकी खुद की पार्टी के 20 MPs चाहते हैं कि वे प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दे, जिसमें लिखा हुआ है 20 डिससैटिस्फाइड लिबरल MPs साइन पैक टू रिमूव ट्रूडो एज PM। दरअसल जो खबर निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक उनकी अपनी ही पार्टी लिबरल पार्टी के कुछ सांसद उनके खिलाफ खड़े हो गए हैं और उन्हें प्रधानमंत्री पद से हटाने की योजना बना रहे हैं। कनाडा की तरफ द सिचुएशन इज एंटायरली डिफरेंट, बिकॉज कनाडा की जो कहिए आप पुलिस फोर्स या उनकी जो भी है, घोड़े से उतर के काम करे ना भाई, घोड़े पे बैठे बैठे कैसा इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो उनसे वो इन्वेस्टिगेशन ठीक ठाक नहीं हो रहा है। दोस्तों, अंधे को भी दिखाई दे रहा है कि ट्रूडो के पीछे अमेरिका खड़ा है। अमेरिका जानबूझ के ये करवा रहा है ताकि भारत को डिस्टर्ब किया जा सके। अब वो ये नहीं समझ रहा कि आज के जमाने वो नहीं रहे हैं जो पहले लोग होते थे। आज टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है, लोग बहुत समझदार हो चुके हैं। सारी दुनिया जानती है जो ट्रूडो कर रहा है, ट्रूडो के बस की बात नहीं है। अमेरिका ने पंगा तो दिलवा दिया इससे, लेकिन फंसवा इसके उल्टा दिया। अब अपने ही इसके लोग जो है इससे रिजाइन मांग रहे हैं। बताइए, एक साल अभी और चल जाता किसी तरीके, लेकिन अब तो ये गया बिल्कुल ही। और ये इतना बुरा जाएगा दोस्तों, ये वापस नहीं आएगा। इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आएगी। जो पाक एनालिस्ट है वो ये कह रहा है कि ये कनाडा का पप्पू है, इतनी बड़ी बात बोली है। अब बताइए, ये वाकई कनाडा का पप्पू है, पंगा ले लिया, अब अपने साथ कईयों को मरवाएगा। वीडियो पूरी देखिएगा दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और कमेंट्स भी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले इसके अंदर जो चीज देखना बहुत जरूरी है ना, वो है हमें इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। ठीक है, अब देखिए, इंडिया बड़ा ही लाउड और वाइब्रेंट है अपनी फॉरेन पॉलिसी को लेके। ठीक है, और वो सिर्फ कहता नहीं, उसके एक्शन भी बताते हैं। अब SCO की मीटिंग अटेंड करने से एक दिन पहले आपने देखा होगा कि उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं या उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है उनकी तरफ से ऑफिशियल एक स्टेटमेंट दी गई थी कनाडा के लिए। क्या वो ये था? बेसिकली वो बिलीव करते हैं ऑन न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ एक्शन, तो सेम वो अप्लाई करते हैं अपनी पॉलिटिक्स के अंदर। ठीक है, तो उन्होंने यही कहा था कि जो कनाडा और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है उसके अंदर न्यूटन का जो लॉ है वो इसके ऊपर अप्लाई होगा। न्यूटन लॉ ऑफ पॉलिटिक्स अप्लाई हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। जिसका मतलब है कि जैसा एक्शन वैसा रिएक्शन, टिट फॉर टैट इसको कहा जाता है। ठीक है, और उन्होंने सिर्फ कहा भी नहीं, उन्होंने करके दिखाया। उन्होंने अपना एम्बेसडर यहाँ से बुलवा लिया, उन्होंने वहां से बुलवा लिया। ठीक है, तो अब अगर एक कनाडा जैसी स्टेट से वो अपना एम्बेसडर और फॉरेन मिनिस्टर अपने बुला लेते हैं वहां से वापस कॉन्सुलेट से, तो सोचें एक जो डेवलपिंग कंट्रीज होंगी जैसे पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान उनकी फॉरेन पॉलिसी में कहां स्टैंड करता होगा? एक आम पाकिस्तानी कनाडा जाने के लिए मैं कहता हूं अपना घर बेचने को तैयार है। ऐसा है कि नहीं? यानी हमारे नजर में जान देने को घर क्या है, डंकी मारते हैं, इमिग्रेशन करते हैं, मर भी जाते हैं, बड़ा कुछ होता है, आए दिन तो न्यूज़ आती है। ये वैल्यू है कनाडा की, ओहो कनाडा चला गया या कनाडा जाना है। और इंडिया उस कंट्री को वार्न कर रहा है कि भाई अगर आप हमारी तरफ कोई इल्जाम लगाओगे, कोई सबूत के बगैर बात करोगे, तो हम तो आपको कभी भी नहीं छोड़ेंगे। और उन्होंने सिर्फ एक वार्न नहीं किया, उन्होंने करके दिखाया। क्या आप इसके ऊपर कहना चाहेंगे, इंडिया और कनाडा का जो कंफ्लिक्ट चल रहा है, डिप्लोमेटिक कंफ्लिक्ट चल रहा है? अब देखे ना, कितने यहाँ से ही आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि वो कितना बड़ा हाथी है और एशिया का कितना बड़ा पावरफुल कंट्री है इस टाइम, जो स्ट्रेट कनाडा को थ्रेट कर रहा है। देखें, इसके अंदर गलती कनाडा की भी है। उन्होंने जो उनको इल्जाम लगाए हैं उनके ऊपर सिख किलिंग से रिलेटेड, उसके प्रूफ दें। या तो आप किसी बंदे पे इल्जाम नहीं लगा रहे हो, आप एक कंट्री पे, वो भी इंडिया पे इल्जाम लगा रहे हो। और आप इल्जाम लगा के प्रूफ भी नहीं दे रहे,
तो इसके अंदर इंडिया ऑटोमेटिकली बाजी ले जाएगा, लीड कर जाएगा, एग्रेसिव मोड दिखाएगा और कनाडा अपनी जो एक फॉरेन पॉलिसी है उसके ऊपर वीक हो जाएगा। ठीक हो गया। इसके अंदर पाकिस्तान को और अदर कंट्रीज को भी लर्न करने की जरूरत है। अच्छा, इंडिया का सिर्फ ये कनाडा को लेके नहीं था, अब जब वो यूरोप को भी स्ट्रेट वे कह रहा है, जब ये छोटा पैगाम नहीं, आप इसको समझें कि पूरी दुनिया को, यूरोप को ये कह रहा है कि आपको क्यों लगता है कि आपकी प्रॉब्लम हमारी प्रॉब्लम है, ठीक है, आपकी प्रॉब्लम है। कनाडा की तरफ द सिचुएशन इज एंटायरली डिफरेंट बिकॉज कनाडा की जो कहिए आप पुलिस फोर्स या उनकी जो भी है, घोड़े से उतर के काम करे ना भाई, घोड़े पे बैठे बैठे कैसा इन्वेस्टिगेट करते राइट तो उनसे वो इन्वेस्टिगेशन ठीक ठाक नहीं हो रहा है। दे आर नॉट गेटिंग the evidence they need to actually solve this problem, just to file a case in the court. So baad mein aapne dekha hoga ki Trudeau ne deposition mein keh diya na ki we have intelligence but not evidence. So wo India ki madad maang rahe hain to get evidence against India pichle 1.5 saal se. Sahi baat hai, ye bhi sahi hai. Yeah, this is what Canada wants na bhai, humko shak hai, that's what they are saying, humko shak hai, हमने जासूसी तरीक़े से पता लगाया कि आपके बंदे हमारे खिलाफ हमारे सर जमीन पर हमारे सिटीजन्स को मार रहे हैं, हम उसको प्रूव नहीं कर सक रहे हैं, आपकी मदद चाहते हैं कि आप हेल्प अस प्रूव, व्हाई इज इंडिया गोइंग टू डू दैट। तो ये प्रॉब्लम है कनाडा का नंबर वन। सो बट द प्रॉब्लम इज दे कांट लेट इट गो अवे बिकॉज वो डर रहे हैं कि और ऐसे केसेस होंगे, क्योंकि अगर आपने जो रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस का जो प्रेस रिलीज प्रेस क्या अनाउंसमेंट था, उस मीटिंग उन्होंने कहा कि हमको डर है कि ऐसे और असैसिनेशन होंगे, और उन्होंने कह रहे हैं कि 10 बंदों को उन्होंने जाके इन्फॉर्म किया कि वी सस्पेक्ट दैट यू आर अ टारगेट ऑफ असैसिनेशन, जैसा FBI ने पन्नों को कहा था कि वी सस्पेक्ट दैट यू आर अ टारगेट, बी अलर्ट। तो वो जेन्युइनली डर रहे हैं कि शायद और दो एक एपिसोड हो विच विल कंप्लीटली रूइन ट्रूडोस क्रेडिबिलिटी एट होम, ऑलरेडी उसकी माइनॉरिटी गवर्नमेंट है। दूसरी चीज ये है कि जो इंडिया के तरफ से जो क्रिटिसिज्म आ रहा है ट्रूडो का, मतलब ये भी एक पप्पू है, दिस इज ऑल्सो ही इज इनकॉम्पिटेंट वगैरह, तो इसमें कोई नई बात नहीं है, एवरीबडी इवन ऑल कैनेडियंस विल अग्री प्रोबेबली, उसके पार्टी के बंदे भी विल एक्नॉलेज के ही हैज प्रूवन टू बी क्वाइट इनकॉम्पिटेंट एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कैनेडा, इकोनॉमी इज ऑल्सो नॉट डूइंग वेल वगैरह। एक फॉर्मर जो ब्रिटिश कोलंबिया का जो स्टेट है वैंकूवर वाला, उसके जो प्रीमियर थे एक फॉर्मर सिख खुद प्रीमियर थे, तो उन्होंने शो में कहा कि भाई पाकिस्तानी इतने गुंडे हैं कि वो गुरुद्वारों में खुद अपने लोगों को मारते हैं इफ दे आर नॉट सिंपथेटिक। तो ये वायलेंस इंडिया के खिलाफ भी कर रहे हैं इंडिया में, यहाँ पे सिखों के खिलाफ भी कर रहे हैं कैनेडा में, आई मीन दैट वॉज वॉट ही वॉज सेइंग ऑन द शो, ये 2-3 दिन पहले की बात है। तो आई थिंक बिफोर सेइंग के, क्योंकि ट्रूडो को अगर सिख वोट चाहिए तो देन ही कैन डू अ लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स उनकी बेनिफिट, खाली खालिस्तान को सपोर्ट करना जरूरी नहीं है, बिकॉज देन वी आर अज्यूमिंग दैट ऑल सिख्स आर सपोर्टिंग खालिस्तान विच इज नॉट ए फैक्ट। लेकिन ये बात जरूर है कि जो NDP है, जो पार्टी है जिसके लीडर जगमीत सिंह है, जगमीत सिंह ने इन द पास्ट कई पॉजिटिव प्रो खालिस्तान स्टेटमेंट्स किए हैं, तो यू कैन क्लियरली से दैट अगर वो खाली वो टेररिस्ट तो नहीं है बट इज ए खालिस्तान सपोर्टर जरूर हैं। एंड अगर वो प्रेशर डाल रहे हैं के ट्रूडो पे के एम्बेरस इंडिया, सो दैट इज ए लेजिटिमेट कंप्लेंट के इंडिया इज डूइंग, मतलब ट्रूडो इज डूइंग दैट टू कंटिन्यू टू, क्योंकि उनकी माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, वो सपोर्ट चले गई तो गवर्नमेंट अभी कोलैप्स हो जाएगी, और अगर अब इलेक्शन होता है ना तो ना सिर्फ ट्रूडो बट ट्रूडो की पूरी पार्टी साफ हो जाएगी।